नमस्कार, स्पिन 9 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में जहां एक तरफ मुद्दा गरमाया हुआ है कि नीतीश कुमार बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। इस बीच में दूसरी और चर्चा ये भी चल रही है कि बिहार के विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अब बागी विधायकों को, बागी चेहरों को साधने की कवायद में जुट चुके हैं। इस कड़ी में हीना शहाब से मुलाकात लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने की। इस मुलाकात के पीछे मायने निकाले जा रहे हैं कि हीना शहाब को आरजेडी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है, वो भी आरजेडी के सिंभल से। अब इस कड़ी में ये भी देखा जा रहा है कि मोकामा और शिवहर से विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी, ये वो दो चेहरे हैं जो अभी तक आरजेडी की विधानसभा सीट को नहीं छोड़े हैं, बल्कि तख्त पलट के बाद विधानसभा के अंदर आरजेडी को छोड़कर जेडीयू पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए थे। अब चेतन आनंद जो शिवहर से और नीलम देवी जो मोकामा से विधायक थी, वो अब आरजेडी में वापसी कर सकती हैं, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। बल्कि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू पार्टी के कई दिग्गज जो विधायक हैं, जो उम्मीद लगाकर जेडीयू से बैठे थे, लेकिन जेडीयू में कोई तवज्जो नहीं मिल पा रही है। इस कड़ी में गोपाल मंडल बार बार बागी तेवर आजमाते हुए नजर आए। अब ये कहा जा रहा है कि अब जहाँ तेजस्वी यादव नाराजगी दूर कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार की वापसी के संकेत दिए जा रहे हैं। इस बीच में विधायक बड़ा खेल खेल सकते हैं। आरजेडी को अपना समर्थन सौंप कर जेडीयू पार्टी और एनडीए गठबंधन को चोट पहुंचा सकते हैं। अब देखना होगा कि तमाम कयासों के बीच में क्या ये विधायक सच में कदम उठाते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं।